नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुंबई की लोकल ट्रेन में हो रहे अन्याय के बारे में। जी हाँ, विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आम जनता के लिए। जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर किस प्रकार सरकार के जो कठोर नियम है वो आम जनता को कितना ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जबरन कैसे वसूला जा रहा है टिकट के पैसे और कैसे जो है जबरन वसूला जा रहा है फाइन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक शॉकिंग न्यूज़ दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 40,000 कम्यूटर्स फाइंड वर्थ ₹1 करोड़ फॉर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट्स। ये आप देख सकते हैं कि ये लोकल में सफ़र करने वाले 40,000 युवा हैं, ऐसे लोग हैं जो बिना टिकट सफ़र कर रहे हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि जो सिंगल डोज लगवा चुके हैं, लेकिन सरकार जो है उन्हें अनुमति नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो विदाउट टिकट सफ़र करने को भी मजबूर हैं। और ये आंकड़े हैं 15 अगस्त के बाद से, यानी 15 अगस्त को जैसे अनुमति मिली दो डोज के अनुमति के बाद, उसके बाद सिंगल डोज वाले 40,000 लोगों को अभी तक फाइन किया जा चुका है और ₹1 करोड़ से ज़्यादा की वसूली हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद समाचार है, क्योंकि ऐसे हम माहौल में जहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, पैसे की कमी है, पिछले 1.5 साल से लोग आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को घर चलाना मुश्किल है, और सरकार को इनकी मदद करने के बजाय उनसे जबरन फाइन वसूला जा रहा है, वो भी 1 करोड़ पार हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 40,000 लोग, क्या एक दो की बात नहीं है यहाँ पे कि चलिए कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती या फिर विदाउट टिकट सफ़र कर सकते हैं। 40,000 लोग एकाएक जो है बदलाव नहीं हो सकता। जी हाँ, 40,000 लोग वही लोग हैं जो मेहनत से काम करते हैं, घर बार चलाते हैं अपना कैसे कैसे काम करके, और ऐसे लोगों से अगर 1 करोड़ रुपये आप वसूलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है, जिसको लेकर अब सरकार के ऊपर दबाव बनता जा रहा है कि आखिरकार आम जनता से और कितना लूट होगी, क्योंकि आम जनता के लिए लोकल में अनुमति नहीं है, लेकिन असेंशियल सर्विस से जुड़े लोग जो विदाउट वैक्सीन है और सिंगल डोज लगवा चुके हैं उनको भी सफ़र करने की अनुमति है। तो ये दो रवैया क्यों अपना रही है सरकार, की एक तरफ आप असेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को अनुमति देते हैं लोकल में, तो दूसरी तरफ आम जनता जो अपना कामकाज के लिए इस्तेमाल कर रही है लोकल ट्रेन, लाइफलाइन कही जाती है, और अब उसमें ही आपको जो है टिकट्स की व्यवस्था नहीं है, दूसरी तरफ दो डोज लगवाने के बाद भी आपको मंथली पास लेना पड़ेगा, यानी पर डे के हिसाब से आपको टिकट नहीं मिलेगा। अगर आपको महीने में 2 दिन सफ़र करना है तो भी आपको 28 दिन के पैसे आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस समय माहौल ख़राब है, क्योंकि लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा है कि आखिरकार लोकल में अनुमति क्यों नहीं। मॉल्स खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, होटल्स खुल चुके हैं, सभी दुकानें खुल चुकी हैं, लाखों की भीड़ आपको जो है रोडों पे दिखाई देगी, लाखों लोग जो है सड़कों के माध्यम से सफ़र कर रहे, और इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक इस समय मुंबई में है, इसके बावजूद सरकार अभी तक लोकल शुरू नहीं की रही है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से कुछ बदलाव करके लोगों को अनुमति दी